जौनपुर में अपना नाम बदलकर आम जीवन जी रहे एक 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के ऊपर दो हत्या, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट समेत कुल आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसने अपना आधार कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेज भी फर्जी बनवा रखा है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना अध्यक्ष सिकरारा अपनी टीम के साथ थाने का हिस्ट्री सीटर सुनील उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय निवासी ताहिरपुर की तलाशी की गया, तो वहीं वह अपना नाम तथा पहचान छिपाकर ओम उपाध्याय पुत्र गंगदेव के नाम से फर्जी कूटर चित्र दस्तावेज व आईडी बनाकर रह रहा था। आरोपी को हिरासत में लेकर तस्दीक कराया गया तो पता चला कि यह ओम उपाध्याय नहीं बल्कि थाने का हिस्ट्री सीटर सुनील उपाध्याय है। इसके ऊपर एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। थाना सिकरारा में एक हिस्ट्री सीटर की चेकिंग के दौरान एक बहुत ही गंभीर बात प्रकाश में आई। सुनील उपाध्याय पुत्र गंगदेव उपाध्याय निवासी ताहिरपुर थाना सिकरारा, जो थाना सिकरारा के हिस्ट्री सीटर हैं, ये काफ़ी दिन से इनका वारंट था और इनकी तलाश की जा रही थी। ये गायब थे और इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। एचएस की चेकिंग के दौरान जब गहराई से कई इनपुट के आधार पर छानबीन और जानकारी की गई तो पता चला कि यह सुनील उपाध्याय फर्जी नाम से, ओम उपाध्याय के नाम से अपनी आईडी बनवा लिया है और ओम उपाध्याय के नाम से गांव में ही रह रहा है। जब उसकी छानबीन और गहराई से की गई तो उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी भी मिला। ये सभी अभिलेख कागजात फर्जी ढंग से तैयार किए गए थे। कुटुंब रजिस्टर को भी कब्जे में लेकर के उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वास्तव में ये सुनील उपाध्याय है जिसने अपना नाम बदलकर फर्जी अभिलेख ये सब तैयार कराए और ये छिप करके अब दूसरे नाम से रह रहा था। ये अत्यंत गंभीर अपराध है और चूंकि इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था तो इसको गिरफ्तार करते हुए एक अन्य अभियोग पंजीकृत करते हुए और जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियुक्त के विरुद्ध एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इस सबका उल्लेख करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।